न्यायपालिका की संगठनात्मक संरचना को समझने के बाद हमारा अगला बिंदु है न्यायपालिका का जो सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च न्यायालय, उसके बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानना। इसकी शक्तियों को संगठन का जिक्र करते समय मैंने आपको बताया था कि मूल रूप से इसके चार कार्य हैं, या इनके कार्यों को चार भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मौलिक अधिकार संबंधी या मौलिक अधिकार क्षेत्र। मौलिक अधिकार क्षेत्र से तात्पर्य यह है ऐसे केसेस, ऐसे मामले देखना जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं, वे नीचे से अपील के माध्यम से ऊपर नहीं आते। ये ऐसे केस हैं जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाएं, इसलिए वे मौलिक हैं, और इसलिए ये कार्यक्षेत्र को मौलिक कार्यक्षेत्र कहेंगे। इसमें संघ और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के बीच के विवाद को निपटाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है। संघ और राज्यों के बीच और राज्यों के बीच के विवाद। दूसरा है अपीली कार्यक्षेत्र, अपीली अधिकार, अपील जिसमें हो, नीचे के कोर्ट से जब मामले अपील होते हुए ऊपर आते हैं, जिला न्यायालय वहाँ पे संतुष्ट ना होने पर दूसरे पक्ष द्वारा, उच्च न्यायालय वहाँ पर भी संतुष्ट ना होने पर, फिर वो सर्वोच्च न्यायालय जब जाता है तो अपील करते हुए जाता है। तो इसलिए ये ऐसे केसेस अपीली क्षेत्राधिकार में आते हैं जिसमें दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक मामलों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील, अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील पर सुनवाई करना, यह अपीली क्षेत्राधिकार के तहत। तीसरा सलाहकारी, परामर्श देने की भूमिका। हमने पिछले अध्यायों में भी पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट से जब तब राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं, परामर्श मांगते हैं, जनहित के मामलों या कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देना, परामर्श देना, यह उसकी सलाहकारी भूमिका का एक हिस्सा है। और सामान्यतः यह सलाह राष्ट्रपति ही मांगते हैं। और चौथा जो है, जिसका विस्तार से जिक्र कर चुके हैं, वह है रिट अर्थात लेख। इसका संबंध व्यक्ति के मौलिक अधिकारों से है। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो लेख जारी किए जाते हैं, उसे जारी करने का अधिकार कहा जाएगा। और ये जारी कब होते हैं, किस स्थितियों में या किस लिए? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, अर्थात इनका संबंध मौलिक अधिकार से है। ये चार बिंदुओं को जानने के बाद यदि हम अपीली की बात करें, तो अपीली न्यायालय में उसके पास एक विशेषाधिकार भी है अपीली मामलों में। और वह विशेषाधिकार क्या है? भारतीय भूभाग की किसी अदालत द्वारा, भारतीय क्षेत्र के किसी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर स्पेशल लीव पिटीशन, ये शब्द यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, फैसले पर स्पेशल लीव पिटीशन के तहत की गई अपील पर सुनवाई की शक्ति, स्पेशल लीव पिटीशन। इस प्रकार अपीली केस में उसका ये विशेष अधिकार है। हम इसके अधिकारों की बात करें, कार्यक्षेत्र की बात करें, तो तीसरा मामला आता है फौजदारी। फौजदारी अपील क्या है? संविधान के अनुच्छेद 134 के तहत
उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने का प्रावधान है हमारे संविधान में, और ऐसी अपील फौजदारी अपील के तहत आती है। इसमें कुछ हिस्सों में बांटा जा सकता है, जैसे जब किसी अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्त को निर्दोष करार दिया है परंतु उच्च न्यायालय द्वारा उसे मृत्युदंड दिया गया, बल्कि उसे ऐसा कहेंगे जब किसी अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्त को निर्दोष मानकर रिहा कर दिया हो, अधीनस्थ न्यायालय ने, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा उसे मृत्युदंड दिया गया हो, ऐसे मामले में अपील का प्रावधान है। दूसरा, जब उच्च न्यायालय ने किसी मुकदमे को अपने अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास मंगा लिया, मैंने आपको बताया था कि उसके पास ये अधिकार है कि विशेष स्थितियों में विशेष कारणों से वह रिकॉर्ड्स और केस का पूरा डिटेल्स अपने पास मंगा सकता है, तो उच्च न्यायालय ने यदि मुकदमे को अपने अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास मंगाकर अभियुक्त को मृत्युदंड यदि दिया है तब भी मामला उच्चतम न्यायालय जा सकता है, उसका प्रावधान है। और तीसरी श्रेणी है जब उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए या ये प्रमाणित हो गया हो कि विवाद उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है, यानी उच्च न्यायालय स्वयं यदि कहे कि इस मामले के कुछ पहलू अति महत्वपूर्ण श्रेणी में हैं, चाहे वह संवैधानिक दृष्टि से चाहे किसी अन्य दृष्टि से, और वह स्वयं ये प्रमाणित करे कि ये मामला उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय जाने का वजन रखता है, तो ऐसे मामले में अपील होती है। तो ये हो गया फौजदारी अपीलें। चौथी अपील क्या है, उसे हम कहेंगे विशिष्ट अपीलें। विशिष्ट अपीलों के तहत कुछ विशेष श्रेणियों में सर्वोच्च न्यायालय सैनिक न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं सुन सकता। सर्वोच्च न्यायालय सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं सुन सकता। इस अपील को छोड़कर वह भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा विवाद में दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील करने की अनुमति प्रदान करता है। सैन्य न्यायालय जो है वह फौजियों के लिए, फौज में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए रहता है, और वहाँ की जो न्याय पद्धति है, वहाँ का जो अपना कानून है वो अलग है, इसलिए वहाँ के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट सैन्य न्यायालय से आए हुए मामले की सुनवाई नहीं कर सकता, लेकिन इसको छोड़कर अन्य किसी भी तरह की विवाद में दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील करने पर विशेष अनुमति प्रदान कर सकता है। ये हो गया विशिष्ट अपीलें। अब हम उसके कार्यक्षेत्र की तीसरी भूमिका पे आते हैं, और वह है परामर्शदात्री परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। परामर्शदायी क्षेत्राधिकार के क्या मायने हैं, जैसा बताया, जनहित के मामले तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को परामर्श देना। आर्टिकल 143, यदि राष्ट्रपति किसी संवैधानिक या कानूनी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेना चाहे तो उच्चतम न्यायालय परामर्श देता है, राष्ट्रपति के कहने पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर सुप्रीम कोर्ट उसे कानूनी मामले में संवैधानिक मामले में परामर्श देता है। यहां यह बात स्पष्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा परामर्श मांगने पर यह आवश्यक नहीं कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की समझाइश को, उसके सुझाव को मानने के लिए बाध्य हो। दूसरे शब्दों में परामर्श दे सकता है, परामर्श
राष्ट्रपति लेते हैं, परंतु राष्ट्रपति उसके परामर्श को मानने के लिए विवश नहीं है। अपने विवेक पर फिर वो निर्णय लेंगे कि इस मुद्दे पर उन्हें किस हद तक उच्चतम न्यायालय के सुझाव को, कानूनी सलाह को मानना है। चौथा जो उसका अधिकार क्षेत्र आता है वह है न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी अधिकार। न्यायिक पुनरावलोकन, इसके क्या मायने हैं? न्यायिक पुनरावलोकन के मायने हैं सर्वोच्च न्यायालय का ये एक ऐसा इतना महत्वपूर्ण अधिकार है कि संसद यदि कोई कानून बनाता है, संसद के द्वारा बनाया गया कोई कानून या कार्यपालिका द्वारा किया गए कोई कार्य, अर्थात विधायिका और कार्यपालिका, इनके दोनों पर अथवा कोई आदेश जो संविधान के विरुद्ध हो, ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसे कानून, ऐसे कार्य, ऐसे आदेश को अवैध घोषित कर सकता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय समझता है कि यह संविधान के विरुद्ध हो। चाहे विधायिका के द्वारा बनाया गया कोई सा कानून, कार्यपालिका के द्वारा किया गया कोई सा कार्य और या कोई किसी तरह का आदेश, संविधान के विरुद्ध जाता हुआ यदि महसूस होता है सर्वोच्च न्यायालय को, तो वह इसे अवैध घोषित कर सकता है। इसीलिए शब्द है पुनरावलोकन। इसी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय जो है वह संविधान के वास्तविक संरक्षक के रूप में देखा जाता है। उसे संरक्षक कहा भी जाता है, संरक्षक कहा भी जाता, संविधान का संरक्षक। ये पुनरावलोकन का प्रावधान इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार जाने अनजाने में ही सही सरकार के जो दूसरे दो अंग हैं, विधायिका और कार्यपालिका, परिस्थितिवश कुछ ऐसे कानून निकाल देते हैं, कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं, कुछ ऐसे आदेश दे सकते हैं जो संविधान के खिलाफ है, और उसमें इस तरह दुरुपयोग की बू आती है। तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय संरक्षक के रूप में सामने आता है और इस तरह की किसी भी कार्रवाई को अवैध घोषित कर देगा। अगला जो उसका कार्यक्षेत्र है वह है संविधान की व्याख्या संबंध। अभी हमने पढ़ा पुनरावलोकन, अब हम व्याख्या की बात करेंगे। व्याख्या का जिक्र मैं पूर्व में कर चुका हूँ। संविधान की पंक्तियों के अर्थ निकालना वह व्याख्या कहलाता है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई कोई भी व्याख्या अंतिम व्याख्या मानी जाएगी। संविधान के अनुच्छेदों से संबंधित जो भी विवादास्पद प्रश्न हो, उसके निर्णय के लिए उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह उन अनुच्छेदों की व्याख्या करे, और उसके द्वारा की गई व्याख्या अधिकृत और अंतिम व्याख्या होती है। उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा। सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई व्याख्या को अंतिम मानना पड़ेगा और साथ ही साथ अधिकृत भी मानना होगा। ये संविधान की व्याख्या संबंधी क्षेत्राधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जब संविधान की भाषा किस हिस्से की भाषा या तो अस्पष्ट हो या समय के साथ साथ कानूनी बदलाव होने के नाते उस कानून के अंतिम रूप के क्या मायने हैं इसमें स्पष्टता ना हो, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उसकी अंतिम व्याख्या करता है जो अधिकृत मानी जाती है।
अगला इसका कार्य क्षेत्र है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय अर्थात कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जहाँ पे सारे रिकॉर्ड हों, उसकी समस्त कार्रवाइयाँ, कोर्ट की समस्त निर्णय लिखित रूप में होते हैं। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, उसकी जो कार्रवाइयाँ भी हैं और उसके जो निर्णय भी हैं वे सब लिखित हैं, प्रकाशित किए जाते हैं, और ऐसा करने के बाद उनको अभिलेखों के रूप में, रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, ताकि भविष्य में जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वे उस रिकॉर्ड को रेफर कर सकें, वे उस रिकॉर्ड को का अध्ययन कर सकें, भविष्य में उदाहरण के तौर पर या नज़ीर के तौर पर उसे उसका उपयोग कर सकें। बार बार एक ही जैसे केस आने की स्थिति में अधीनस्थ कार्य न्यायालयों के लिए सरल हो जाता है जब वे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में जाकर संबंधित निर्णय सामने रखते हैं, तो उनके लिए भी कार्य सरल हो जाता है। और एक ही तरह के केस में निर्णय की सततता और समानता रहती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आवश्यकता अनुसार भविष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उदाहरण या रूलिंग के रूप में ये अभिलेख कार्य काम आते हैं, इसीलिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम इसे एक अन्य अधिकार क्षेत्र के रूप में थोड़ा समझें, इसके अंतिम कार्य क्षेत्र को, उच्चतम न्यायालय को जो ऊपर बताए गए अधिकार, पहले जो बताए गए अधिकार हैं, उसके अलावा कुछ विशेष अधिकार भी हैं, कुछ विविध तरीके के अधिकार भी हैं। नियुक्ति और सेवा शर्तें निर्धारित करने के अतिरिक्त उसे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए पदोन्नति और पदच्युत करने की शक्ति भी मिली है। वह अपने अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य की जांच कर सकता है। अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों में निर्धारित के बाद उनके अतिरिक्त उनके पदोन्नत और पदच्युत करने की शक्ति भी उसे है। न्यायालय की अवहेलना करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति भी उच्चतम न्यायालय को है। साथ ही उसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री सहित भारतीय संघ के जो पदाधिकारी हैं उनके चुनाव में किसी तरह के विवाद होने पर निर्णय देने का अधिकार, अर्थात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री, इनके चुनाव में यदि किसी तरह का विवाद हो तो उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है, और उच्चतम न्यायालय ऐसे मामलों में निर्णय देने का अधिकार रखता है। ये इसके अन्य अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो इस प्रकार अन्य अधिकार क्षेत्र में, जहां एक ओर इन पदों के बारे में चुनावी मामलों को लेकर निर्णय, वहीं उच्चतम न्यायालय या न्यायपालिका के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी प्रशासन, जिसे हम कह सकते हैं प्रशासनिक मामले, इसे भी वह सुप्रीम कोर्ट देखता है। इसलिए साफ है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं, वो बहुत व्यापक हैं, और इन्हीं शक्तियों की व्यापकता के कारण वह विश्व में एक अत्यधिक शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में जाना जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय जो है एक अत्यधिक शक्तिशाली न्यायालय के रूप में जानी जाती है। जब इतनी शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय को दी गई हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय की ये अहम जिम्मेदारी और भूमिका है कि वह इन शक्तियों का उपयोग
स्वतंत्र रूप से करे, निष्पक्ष रूप से करे, और ऐसा करते हुए उचित न्याय प्रणाली, निष्पक्ष न्याय प्रणाली द्वारा न्याय प्रदान करके लोकतंत्र के प्रति नागरिकों में विश्वास पैदा करें, क्योंकि यही विश्वास तो लोकतंत्र का आधार है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस तरह से न्यायपालिका का जो सर्वोच्च अंग है, सर्वोच्च न्यायालय, वह लोकतंत्र की रक्षा में, लोकतंत्र की नींव को और मजबूत करने में कितना महत्वपूर्ण योगदान करता है और कर सकता है। तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके क्षेत्राधिकार की बात करें तो उसे कुछ हम इस तरीके से देख सकते हैं कि सबसे पहला यदि हम बीच में लें तो अपीली, दूसरा मौलिक और तीसरा सलाहकारी। जैसा कि शब्दों से स्पष्ट है, अपीली अर्थात अपील करने का अधिकार, मौलिक अर्थात जो मूल रूप से उसके पास पहुंचते हों जो केस, और सलाहकारी जिसमें वो परामर्श देने का कार्य करता है। मौलिक में संघ और राज्यों के बीच के विवाद और राज्यों के बीच के विवाद स्वयं के, वे उसके क्षेत्र में आते हैं। साथ ही मौलिक के अलावा उसका एक और क्षेत्राधिकार है और वह है रिट संबंधी। रिट संबंधी क्षेत्राधिकार में मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात आती है। अपील अर्थात नीचे से आए हुए जो मामले हैं, चाहे दीवानी हो, फौजदारी हो या संवैधानिक व्याख्या से संबंधित हो, उसके अधीनस्थ आए हुए जो मामले हैं वे वहाँ तक जाते हैं। सलाहकारी में जनहित के मामले और कानून के मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना।